खुशी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शशि कुमार शानवीर के साथ आप देख रहे हैं कोसी वर्ल्ड न्यूज चैनल KWNC। तो देखते हैं क्या है रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय के मुख्तियारपुर ग्राम में एक दिवसीय सत्संग का किया गया आयोजन, जिसमें आचार्य धर्मदास जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या है वहाँ का रिपोर्ट। उपस्थित महापुरुषों आज सकरा मोहम्मदपुर ग्राम में एक दिवसीय सदगुरी सद्ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया और इस कार्यक्रम में हमारी उपस्थित लक्ष्मीपुर बगीचा की वर्तमान आचार्य मुक्त दीप नारायण साहब पर उपस्थित है। इस मंच पर मंच से और सूरज साहब इस मंच पर मंच से है और बहुत से इस क्षेत्र के आए हुए आमंत्रित संत महापुरुषों साथ साथ भारत की गरिमा को बढ़ाने वाले जन की जननी माताएं देश और दुनिया का होने वाले भविष्य नन्ही मुन्ही प्यारे बच्चों जो जवान साथियों आज इस ग्राम में मुझे भी अवसर मौका मिला क्योंकि रोसरा साहिब का आदेश अनुसार क्योंकि एकाएक जितने जानकारी हुआ है यहाँ के बारे में हम लोग खगड़िया में थे और आज दिन का भी कार्यक्रम कहीं और था और संयोग से हमारे मिथिलेश साहब जिनका नाम भी मिथिलेश है और यह इलाका भी तो मिथिलांचल का धरती माना गया है। सिमरिया और गंगा के इस पार क्या है मिथिला और गंगा के उस पार मगध, यानी मिथिलांचल की ये धरती एक बिहारी सौ पार भारी, क्योंकि आज मिथिलांचल की वह धरती है। आज माँ सीता इसी मिथिला की थी, आज माँ सीता नहीं होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उपाधि भगवान ये किनका देन है तो इसी मिथिला का। ये बिहार वह धरती है गुरुओं की धरती है, बिहार गुरुओं की धरती है जो भगवान बुद्ध का ज्ञान इसी बिहार से मिला। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा है ज्ञान भगवान बुद्ध का बिहार में बोध गया भी। महावीर जो जैन धर्म है इस जैन धर्म का जो पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है अभी भी धरती है जो अभी भी संत महात्मा और कबीर का प्रचार प्रसार अभी भी सबसे पूरे भारत में ज्यादा कबीर पंथों की संख्या बिहार छत्तीसगढ़ राजस्थान और गुजरात। तो आज आपके ग्राम में बहुत देर से सुधुरी साहब की विचारधाराओं को
आप लोग भजन के माध्यम से श्रवण किए और हर व्यक्ति तो जानते भी हैं कि 2024 में 22 जनवरी को क्या हुआ। पूरे देश में दीपावली, पहले कार्तिक में दीपावली होता था और 22 जनवरी को भगवान राम राम लला की जो अयोध्या मूर्ति की स्थापना हुई, तो पहले भी यह भारत ऋषियों की धरती थी और अभी भी पूरे देश और दुनिया में यह चर्चा था, विषय हो गया कि भारत में दोबारा दीपावली। दीपावली का अर्थ होता है दीप, अभी भी देते किसी भी कार्य को यदि शुभ मुहूर्त में करते हैं तो दीपक जलाते हैं, यानी प्रकाश। और हमारा शरीर के अंदर भी यदि दीपक बंद हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। इस शरीर के अंदर ये दीपक ही जल रहा है। आप लोग भजन गाते हैं, घट ही में तीरा बारो है, घट ही में कबीर साहब की पंक्ति है, क्योंकि कबीर साहब का शब्द आज लाइब्रेरी में जो ग्रंथ है, कबीर साहब का विचार हालांकि को आज बीए में एमए में पढ़ाई हो रहा है, पीएचडी में पढ़ाई हो रहा है। कबीर साहब हिंदी के कवि, क्योंकि सब कहे कागज देखी, अब मैं कहूं आखर देखी। सब कबीर आखी देखी बात को उन्होंने दर्शाया। कबीर साहब कागज की बात उन्होंने नहीं कहे। आज तो पूरे देश और दुनिया चीन तीन चीज को पीछे पड़ा हुआ है। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की जयकारा में कंजूसी होता है, थोड़ा बुलंद सुर के जयकारा कीजिए। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की। पूरे देश और दुनिया तीन चीज को पीछे पड़ा हुआ है, कागज, पानी और पत्थर। कागज, कागज का लेखक, कागज का बनाने वाला कौन है? रामायण हो या गीता हो, उपनिषद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जपुर हो, आयत हो, मीमांसा हो या सांख्य दर्शन, जितने भी पुस्तकें हैं सबको लेखक, उसको रचना करने वाला मनुष्य है। कागज रामायण गीता शिव पुराण सब कागज की बनी हुई है और उसमें सिर्फ नाम की महिमा है। आज कागज को पीछे पड़े हुए हैं, भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? तो रामायण में ढूंढते हैं, गीता में भगवान को ढूंढते हैं, शिव पुराण में ढूंढते हैं। वो कागज में भगवान बैठा हुआ नहीं है, वो नाम की महिमा है। नाम की महिमा है। बीजक में कबीर साहब बैठा हुआ नहीं है, अनुराग सागर में कबीर साहब बैठा हुआ नहीं है, वो कागज है। उसका लेखक, उसको छापने वाला कौन है? मनुष्य। रामायण को लिखने वाला मनुष्य, पुराण को छापने वाला मनुष्य, आज मंदिर में घंटी बजाने वाला मनुष्य, मंदिर में भोग लगाने वाला, बिगुल फूकने वाला, प्रसाद को चढ़ाने वाला, जसीबी से मंदिर को उलटाने वाला। अभी हसाब रोड के बगल में जितना मंदिर या मस्जिद हो सबको जसीबी से तोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला मनुष्य है। जान मारने वाला। हमें आप अपना सुझाव नीचे दिए गए लिंक पर दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।